सर आप देख रहे हैं सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित राजेंद्र उद्यान को। जी हाँ, ये वही राजेंद्र उद्यान है। कुछ समय पहले तक बिल्कुल ही बेरुखी के शिकार हुए इस राजेंद्र उद्यान को। कई बार सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई थी मगर कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के प्रयास से सिवान नगर परिषद की ओर से सिवान के राजेंद्र उद्यान का सौंदर्यीकरण हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह फुहारा कितना खूबसूरत है। और आज 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को ये पार्क आम जनता के लिए खोला गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ पर पार्क में लगे हुए झूलों का आनंद उठा रहे हैं। और पहली बार सिवान में इस तरह का कोई पार्क शहर में बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पर बच्चे आकर के और एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आज चूंकि 1 जनवरी है तो एक बेहद खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में भी आज ये पार्क यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न तरह के झूले इस पार्क में लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से इन झूलों का आनंद हरा के नीचे में अभी मिट्टी है झूलों के नीचे, जिससे बच्चों के कपड़े गंदे भी हो रहे हैं, लेकिन मस्ती और खेलकूद में कपड़ों की चिंता कौन करता है। ऐसे में ये पार्क सिवान के जिलाधिकारी की तरफ से एक तरह का तोहफा है सिवान वासियों को, चूंकि पहले भी कई बार इसके सौंदर्यीकरण के प्रयास हुए थे, लाखों रुपये खर्च भी हुए थे, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम जो है वो नहीं मिल पाया था और महज खाना पूर्ति बनकर रह गया था ये पार्क। सिवान के लोग एक अदद पार्क के लिए तरस रहे थे, बच्चों के खेलने कूदने और मनोरंजन के लिए किसी तरह का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर राजेंद्र पार्क जो गोपालगंज मोड़ पर स्थित है, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति भी स्थापित की गई है काफी लंबे समय से, और 3 दिसंबर को यहाँ पर राजेंद्र जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जिलाधिकारी जब यहाँ पर सिवान पोस्टेड हुए उस वक्त ही उनकी नज़र इस पार्क पर पड़ी थी और तब से इसके सौंदर्यीकरण की बात चल रही थी। और आज ये पार्क 1 जनवरी को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर शेड डाल करके बनाया गया है, और वहाँ उस किनारे में राजेंद्र जी की प्रतिमा स्थापित की गई है जो लंबे समय से यहाँ पर स्थापित है, लेकिन पहली बार राजेंद्र उद्यान के रूप में यहाँ पर आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस पार्क को नहीं देखा है तो आप आएं, सिवान में भी अब आपको शहर में एक खूबसूरत पार्क बच्चों के लिए उपलब्ध है। बच्चे आज 1 जनवरी को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और सिवान के जो पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, उनके लिए भी एक सुविधाजनक बात ये हो गई है कि अब कम से कम बच्चों को वो यहाँ पर ला सकते हैं, घुमा सकते हैं, और बच्चों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं इस पार्क को देख करके। और ये जो फाउंटेन यहाँ लगा हुआ है ये एक बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप हुआ है, लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, खींच भी रहे हैं, और पूर्ण मस्ती जारी है। आप सबको नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।